क्लास फर्स्ट ईयर बायोलॉजी क्लास में हमारा नेक्स्ट चैप्टर है पुष्पीय पौधों की शारीरिक चैप्टर क्रमांक 5। आज का टॉपिक है ऊतक से अभिप्राय। ऊतक क्या होते हैं? ऊतक एक जैसी समान संरचना वाली विभिन्न कोशिकाओं का समूह है जिसकी सभी कोशिकाएं आकार, परिमाण, उद्गम, कार्यकी में एक समान होती है। प्रत्येक प्रकार का ऊतक एक विशिष्ट कार्य के लिए निर्मित होता है और उस विशिष्ट कार्य को करने में सहायता करता है। ऊतकों को संरचना, विभाजन क्षमता और विकास के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, विभिज्योतकी ऊतक और स्थायी ऊतक। सबसे पहले आते हैं हम लोग विभिज्योतकी ऊतक पर। विभिज्योतकी शब्द का मतलब है विभाजनशील या विभाजित होने वाला। ऐसी कोशिकाएं जो विभाजनशील हैं अथवा विभाजित हो सकती हैं, उन कोशिकाओं के समूह को विभिज्योतकी ऊतक कहते हैं। विभिज्योतकी ऊतक भ्रूणीय कोशिकाओं का समूह है जिनमें विभाजन की अपार क्षमता मौजूद होती है। विभिज्योतकी ऊतकों के विभाजन से पौधे की लंबाई, मोटाई, जड़, तना, पत्ती, पुष्प आदि निर्मित होते हैं। पौधों की वृद्धि करने वाले भागों में ये विशेष रूप से स्थित रहते हैं। ये पौधों की लंबाई और मोटाई में वृद्धि करते हैं। विभिज्योतकी ऊतक को उनके पाए जाने के स्थान के आधार पर तीन भागों में बांटा गया। शीर्षस्थ विभिज्योतक, पार्श्व विभिज्योतक और अंतर्विष्ट विभिज्योतक। शीर्षस्थ विभिज्योतक तने और जड़ के शीर्ष भाग में स्थित होते हैं। इनकी विभाजन क्षमता अपरिमित है। ये जंतु ऊतकों में नहीं पाए जाएंगे क्योंकि इन्हें पादप ऊतकों में ही पाया गया है अभी तक। ये ऊतक पत्तियों के अग्रभागों पर भी पाए जाते हैं क्योंकि पत्तियां भी अपना आकार बढ़ाती हैं। तो शीर्षस्थ विभिज्योतक को उसके पाए जाने के स्थान पर दो भागों में बांटा जाता है, प्ररोह शीर्ष और मूल शीर्ष। प्ररोह शीर्ष से तात्पर्य है किसी पौधे के तने के सबसे ऊपरी भाग, क्योंकि इस भाग की लंबाई ऊपर की ओर बढ़ेगी। और मूल शीर्ष जड़ के सबसे निचले भाग में पाया जाता है क्योंकि इसकी वजह से जड़ जमीन के अंदर गहराई में वृद्धि करती है। पार्श्व विभिज्योतक जड़ और तने की पार्श्व दिशाओं में पाए जाते हैं। अब एग्जांपल के तौर पर देखें, ये एक जड़ की काट है, इसको बीच से ऐसे काट दिया गया, तो इस वाले भाग में पार्श्व विभिज्योतक यहाँ किनारों पर स्थित हो सकते हैं। इनका काम है इस भाग की परिधि में वृद्धि करना, यानी ताकि आगे चलकर जड़ और तने मोटे हो सके। अंतर्विष्ट विभिज्योतक ये अग्रस्थ या शीर्षस्थ विभिज्योतक का ही हिस्सा है, जो शीर्षस्थ विभिज्योतक से जड़ और तने की लंबाई में वृद्धि करने के कारण अलग हो जाता है। ये स्थायी ऊतक में परिवर्तित नहीं होता बल्कि उनके बीच में ही कहीं कहीं पर मौजूद रह सकता है। दूसरे आते हैं स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक ऐसे ऊतक जिनमें विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाए। जब किसी ऊतक में विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाएगी तो वो नष्ट नहीं होगा बल्कि पौधे में ही स्थायी रूप में मौजूद रहेगा। स्थायी ऊतकों की तीन श्रेणियां हैं, साधारण या सरल, विशिष्ट ऊतक और जटिल। नाम से स्पष्ट होता है कि साधारण या सरल ऊतक जो संरचना में साधारण है, कार्य भी साधारण प्रकार के हैं, उन्हें साधारण या सरल ऊतक में रखा गया। विशिष्ट ऊतक
पौधों में कुछ विशिष्ट प्रकार के कार्यों के लिए मौजूद हैं और जटिल ऊतक संरचना में जटिल हैं, साथ ही साथ इनकी कार्य पद्धति भी जटिल है। साधारण या सरल ऊतक, मृदु ऊतक, स्थूल कोण ऊतक और द्रण ऊतक तीन कैटेगरी में विभाजित किए गए हैं। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। विशिष्ट ऊतक के दो भाग हैं, ग्रंथिल और रबरचीन। आंतरिक रूप से मौजूद ऐसे ऊतक जो विशिष्ट प्रकार के पदार्थों का श्रावण करें, बाह्य ग्रंथियों के रूप में या आंतरिक ग्रंथियों के रूप में, संतरे और नींबू के छिलके में पाई जाने वाली तैल ग्रंथियां, पौधों से स्रावित होने वाले गोंद, रेजिन आदि का श्रावण करने वाली ग्रंथियां, पौधों में पाए जाने वाले जलरंध इत्यादि। रबर चीनी यानी रबर या लेटेक्स जैसे पदार्थों का उत्पादन करने वाले ऊतक। आपने बहुत से ऐसे पौधे अपने आसपास देखे होंगे जिनकी पत्ती या तने को तोड़ने पर सफेद दूध जैसा पदार्थ निकलता है। हमारे आसपास मौजूद पौधों में कनेर है, मदार है, कटहल का भी पौधा इसी कैटेगरी का है जिसमें से लेटेक्स या सफेद रंग का रबर जैसा पदार्थ निकलता है, तो वो रबर चीरी ऊतकों की वजह से ही उत्पन्न होता है। पादप ऊतकों के अध्ययन में सबसे पहले हमारे सामने साधारण या सरल ऊतक जिसका फर्स्ट पार्ट है मृदु ऊतक। मृदु ऊतक क्या होते हैं? ये पतली भित्ति वाली कोशिकाओं का समूह है जो कोमल अंगों में अधिकता से मिलती है। इसकी कोशिकाएं समव्यासी होती हैं, बहुभुजी, गोल या अंडाकार दिखाई दे सकती हैं। इसकी कोशिका भित्ति सेल्युलोज से निर्मित होती है। मृदु ऊतक कोशिका के जीवद्रव्य में एक केंद्रक और रिक्तिका होती है। कभी कभी अगर किसी पौधे जिसकी स्थिति जलीय मतलब जो पानी में पाया जाता है उसका मृदु ऊतक बीच बीच में खाली होता है ताकि उनमें हवा भरी रह सके और पौधे पानी की सतह पर तैर सके, तब उस प्रकार के मृदु ऊतक को वायु ऊतक कहते हैं। दूसरा आता है स्थूल कोण ऊतक। स्थूल कोण ऊतक में जो भी कोशिकाएं हैं वे गोल, अंडाकार, बहुभुजी या समव्यासी हैं, परस्पर सटी होती हैं। इनमें एक केंद्रक और कई सारी रिक्तिकाएं हो सकती हैं।